धूप, ओ बंजारी इस धरती का देख निराला रूप। वाराणसी से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिंगरौली कहने को यूं तो बस एक शहर है, पर अगर इसकी वास्तविकता जाने तो ये एक ऐसी भूमि है जिसे खास चुनकर प्राकृतिक संसाधनों का वरदान दिया गया है। मध्य प्रदेश में बसा हुआ सिंगरौली प्रारंभिक मानव से लेकर आज की इंडस्ट्रियलाइजेशन तक के दौर तक का साक्षी रहा है। कहा जाता है कि सिंगरौली का वास्तविक नाम श्रृंगावली था, जो कि ऋषि श्रृंगी के नाम पर पड़ा था। ऋषि श्रृंगी प्राचीन भारत के रामायण काल के एक महान संत थे। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिंगरौली ने ब्रिटिश काल के समय यहाँ मौजूद टिम्बर की वजह से एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त किया। आगे चलकर आजादी के बाद 1960 में यहाँ रिहंद बांध यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया, जो कि आज भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सोन की सहायक रिहंद नदी पर स्थित ये बांध इस शहर के महत्व को कई गुना बढ़ाता है। प्रचुर मात्रा में जल और भूवर्गीय कोयले की उपलब्धता के कारण सिंगरौली क्षेत्र को कोयला खनन एवं विद्युत उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया। कई निजी एवं शासकीय कंपनियां जैसे NCL, NTPC, रिलायंस एवं आदित्य बिरला ग्रुप ने सिंगरौली क्षेत्र में कई कोयला खदान, थर्मल पावर प्लांट और विभिन्न प्रकार के भारी उद्योग लगाए, जो आज भारत की प्रगति में निरंतर योगदान दे रहे हैं। यह सिलसिला तब से लेकर आज तक यूं ही चलता जा रहा है, जिसकी वजह से आज हम सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्षेत्र लगभग 25,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली उत्पादित कर देश की लगभग 10% ऊर्जा खपत की आपूर्ति कर रहा है। सिंगरौली क्षेत्र केवल इंडस्ट्रीज और खदानों तक ही सीमित नहीं है, सच मानो तो ये एक ऐसी भूमि है जहां आज भी आधुनिकता एवं प्राचीनता एक साथ मौजूद है। जहां एक ओर आपको आधुनिक शहर, आलीशान इमारतें दिखेंगी, तो वहीं दूसरी ओर सोन और गोपद नदियों के संगम में स्थित 18वीं शताब्दी में निर्मित बड़ी किला अपने गौरवशाली इतिहास की साख रखता है। लगभग 7वीं सदी में बनी हुई माडा की शांत और प्राचीन मानव निर्मित गुफाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। विवाह माडा, गणेश माडा, सीता माडा व अन्य माडा ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही चितरंगी के जंगलों और पहाड़ों में छुपे हुए प्राकृतिक रॉक शेल्टर और उन पर बने मेसोलिथिक काल के शैल चित्र बहुत ही खूबसूरती से भारत भूमि में मानव सभ्यता के विकास को दर्शाते हैं। पर बस इतना ही नहीं, चितरंगी से महज 70 किलोमीटर दूर स्थित सलखन फॉसिल पार्क में आपको 140 करोड़ साल पुराने जीवाश्म भी देखने को मिलेंगे। अगर बात वर्तमान की हो और यहाँ के जयंत में स्थित रोज गार्डन एवं शक्ति नगर के चिल्का पार्क का उल्लेख ना हो तो ये तो अनुचित होगा। ये दोनों पार्क परिवार और दोस्तों के साथ शांतिपूर्ण समय बिताने के लिए एक शानदार जगह है। खास और खूबसूरत फूल, बच्चों के लिए झूले, झील और टॉय ट्रेन का आनंद यहाँ के अनुभव को और भी यादगार बनाते हैं। पर बस इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी सिंगरौली एक विशेष स्थान रखता है। कहा जाता है कि झिंगुरडा के हनुमान मंदिर में दर्शन के बिना सिंगरौली की यात्रा पूरी नहीं होती।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगभग 200 साल पूर्व स्वयं प्रकट हुई थी और तब से लेकर आज तक पवन पुत्र स्वयं यहाँ विराजमान है। साथ ही शक्ति नगर में स्थित ज्वालामुखी मंदिर लोगों की हर मनोकामना पूर्ण कर रहा है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रिहन नदी का रसगंडा वाटरफॉल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। घने जंगलों से सजे होने के कारण इस क्षेत्र में पशु पक्षियों की कई प्रजातियों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का मौका मिला और इसी कारण यहां संजय नेशनल पार्क बनाया गया है, जिसके तहत सफेद बाघों की जन्मभूमि संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, जो जंगल के राजा बाघ के साथ अन्य अनेक वन्य प्राणियों संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ सोन घड़ियाल अभयारण्य, जो दुनिया की केवल उन चार जगहों में से एक है जहां घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। एडवेंचर के शौकीन और एनिमल लवर के लिए तो मानो यहां आना बहुत ही रोमांचक और यादगार अनुभव होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंगरौली कई प्राचीन जनजातियों का घर है जिन्होंने आज के इस आधुनिक सिंगरौली को बनाने में अपना बहुत योगदान दिया है। ये जनजातियाँ आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी शहर के चकाचौंध वाले जीवन से दूर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और हर दिन जीवन को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। सिंगरौली को राष्ट्र पटल पर अपनी एक अहम पहचान दर्ज कराने हेतु NCL ने IIT BHU के साथ अपनी खास पहल के तहत सिंगरौली के विभिन्न पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, ताकि पर्यटकों को सही व्यवस्था व जानकारी प्राप्त हो सके। MP टूरिज्म व नगर निगम सिंगरौली के सहयोग से जैन स्थित मुड़वानी डैम को सिंगरौली आने वाले टूरिस्ट के लिए एक सेंट्रल टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। सिंगरौली भ्रमण के पूरे प्लान को मध्य प्रदेश टूरिज्म व NCL की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सिंगरौली कब आ रहे हैं?